हाय गाइस, तो आज अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, यानी कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका कि एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त 2021 को स्टार्ट हो चुका है और जो कि जो है 1 सितंबर को रात 11:50 तक चलने वाला है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है, इतने साल जितना भी सीयूईटी वगैरह कंडक्ट होता था, उन सबकी लीड थी, सब कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और आज एक नोटिस भी है रिगार्डिंग ऑनलाइन जो है टेस्ट के रिगार्डिंग, लेकिन अभी तक वो ओपन नहीं हो रहा है, शायद बहुत सारे सर्वर इश्यू कारण। तो अगर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना हो तो उसकी जो है वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज अपन देख लेते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो इसका भी जो है PDF में लिंक सेंड कर दूंगा आपके साथ। तो ये जो है 9 सितंबर को रिलीज किया गया था और फीस जो है इसकी दिखा रहा है, ये जो MA की डिग्री है और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की है, 4740 रुपये। वाओ ग्रेट, इतनी कम फीस। एंड जो है हॉस्टल की जो फीस है वो एक सेमेस्टर की है 3905 रुपये, यानी कि आप 4000 रुपये मान सकते हो, ठीक है। 4000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है और सेकेंड सेमेस्टर की भी 4000 है, और देन वन थर्ड सेमेस्टर की 4295 रुपये, यानी 4300 रुपये, और फोर्थ की भी, फोर्थ की आप जो है जैसे जैसे सेमेस्टर पढ़ रहा है वैसे वैसे ये फीस इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे इन लोगों ने जो 5 सेमेस्टर की फीस है 2025 के अंदर 5720 रुपये कर दी, क्योंकि इनको पता है कि तब तक जो भी है वो रेंट वगैरह बढ़ जाएगा, तो ये फीस भी बढ़ा दी उन्होंने। हॉस्टल की जो सिक्योरिटी फीस है वो इनकी 3330 रुपये है, और मेस एडवांस जो है सिक्योरिटी फीस है वो 12100 रुपये है। ओके, तो अब अपन देख लेते हैं इसके कोर्सेस। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कोड के अंदर आ रही कि ये QIP01 क्या होता है, QIP02 क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो ज़रा हम उसकी तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अगर कोर्सेज की बात की जाए तो इसके पास है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आफ्टर 10+2 एलिजिबिलिटी के साथ आप कर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और SC/ST कैटेगरी के लिए OBC/PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। फिर बाद में आता है बायोटेक्नोलॉजी, फिर बाद में आता है कंप्यूटर साइंस और एनवायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी, स्टेटिक्स। स्टेटिक्स क्या होता है, 10+2 साइंस स्ट्रीम और इक्विली रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आफ्टर 2 और फिजिक्स आफ्टर 2 सनी है इसमें जो है। ये तो इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम है, ठीक है। और अगर हम PhD प्रोग्राम के अंदर देखें तो PhD प्रोग्राम के अंदर मीडिया राइटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, वेरी गुड कोर्स, ओके। कल्चरल मीडिया, इंग्लिश, सोशल वर्क, M.Pharma प्रोग्राम भी है इसके अंदर। देन ये एटमोस्फेरिक साइंस, ये MSc प्रोग्राम आ गया। इसके अंदर BTech भी है, इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा कोर्सेस है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ओके, BTech के लिए है जनरली, वैसे तो आर्किटेक्चर भी है यहाँ पे। ये देखिए PhD भी है। ओके, तो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ के स्कॉलरशिप प्रोसेस के बारे में। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे 22 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने, ठीक है, 22 से ज़्यादा स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो पोस्ट मैट्रिक है, सेकंड जो है पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए, सेकंड जो है विशेष पिछड़ा वर्ग DN TS। तो आप देख सकते हैं जस्ट ये अनुप्रीति स्कीम एडमिशन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 60% के साथ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों प्रवेश। ये देखिए इकोनॉमिक हेल्प ट्राइबल स्टूडेंट्स, PMT PET IIT कोचिंग के, तो जनजातीय वर्ग के आर्थिक मदद, ऐसे करके इन लोगों ने कुल टोटल 22 छात्रवृत्ति दे रहे हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। और अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देखी जाए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो उसके अंदर भी इसका स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ये देख सकते हैं।
ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम देख लेते जरा ये P01 P02 क्या होता है। अगर आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पे तो आपको दो ऑप्शन हो रहे होंगे, अप्लाई P01 और अप्लाई P02। तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे अप्लाई P02 है इसका मतलब होता है मैनेजमेंट BWOC एंड जो भी BSc होनर्स वगैरह जो बच गया वो P02 के अंदर आता है, और P01 के अंदर जो आता है वो इंजीनियरिंग वगैरह जो हमारे कोर्सेस है वो आते हैं। तो आपको वहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट करने हैं फॉर्म फिल करते वक्त। अगर आप एक सिलेक्ट करते हैं तो आपके दोनों पेपर नहीं होंगे, आपका एक ही पेपर कंप्लीट होगा, एक ही पेपर आपको दिया था नहीं दिया जाएगा। तो आप दोनों पेपर्स को सिलेक्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। अगर आपको एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी बहुत सारे बूम पर चल रहा है एरोस्पेस कोर्स, तो आप चूज कर सकते हैं PSSC पटियाला को, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर में चलता है, और उसको जो है जस्ट मिलिट्री बेस के अंदर सिचुएटेड है। तो उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, अगर आपको कोई कंसर्न हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। और अगर आपको किसी भी डायरेक्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे एडमिशन लेने हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और लो फीस हो, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो, बहुत अच्छी क्वालिटी हो, तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।